साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक। मास्टर धीरेंद्र झा जी हमारे साथ हैं। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उनसे एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब आमने सामने एक मुद्दे को लेके हैं। इन दिनों गरमाया हुआ मामला है उत्तर प्रदेश शासन और उत्तराखंड शासन की व्यवस्था है कि रोड पर लगाए रेड़ी पटरी वालों का नाम उनकी रेड़ी पटरी पे लिखा जाए, उनका सारा कुछ लाइसेंस और व्यवस्था लिखी जाए, जिस पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भन्नाए पड़े हैं। झा जी, उनका ये कहना है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में उनका नाम लिखवाना सर्वदा अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि मुसलमान जान के हिंदू वहाँ से सामान नहीं खरीदेगा और सरकार की मंशा यही है। सरकार जो है वो सही है और एज ए हिंदू, एक हिंदू के रूप में, सबके सनातन धर्मी के रूप में और अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में मैं जो हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ कि सच्ची मन से तो ये है कि मुसलमानों ने कोई ऐसा खाने पीने की चीज़ों को छोड़ा ही नहीं है जिसमें वो मिलावट ना करता हो, और ख़ास करके हिंदुओं के जो पर्व त्यौहार हैं उसके अंदर वो तरह तरह के मिलावट करते हैं। अभी बरेली की घटना है, कल के ही आज के अखबारों में छपी है, कल के अखबारों में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ जो है वो आम के ऊपर पेशाब कर दिया मुसलमानों ने, नाम अपना वो कुछ था उसका, रसीद फसीद जो भी नाम था, और पेशाब करके फिर उसको जो है ठेली पे सजा के बेचने निकला था। संयोग से उसको पेशाब करते लोगों ने पकड़ लिया, शायद वीडियो भी बना लिया, फिर उसको बड़ी पिटाई उटाई लगा, बाद में पुलिस के हवाले किया। और इस तरह के कई मुद्दे पूरे भारत छोड़िए पूरे संसार में चारों तरफ रंग बिरंग के पकड़े जाते हैं। कभी तो पानी में थूकते हैं तो कभी जो है वो क्या नाम है, एक एक सेब में जो है थोड़ा थोड़ा जो है दाग मार के काट काट करके और उस पे जो है वो बिंदी चिपका देते हैं। अच्छा, तो ऐसा अगर करते भी है तो उसके पीछे की उनकी मंशा क्या होती होगी, क्या उनका कहना है कि हम जो है ऐसा करके जो है इसे पवित्र कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, उनको वो हलाला करना कहते हैं। तो उनके यहाँ मुसलमानों में जो है हलाला होता होगा कि उनके नज़र में ये पवित्र है, लेकिन हम हिंदुओं में तो जो है कोई भी चूट चीज अगर हम जूठा करते हैं या मल मूत्र का त्याग हम अगर किसी चीज पर करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले की घटना है, ईख का रस वो बेच रहा था, गन्ने का रस, और उसमें क्या कर रहा था तो मीट को जो है टुकड़े सबको जो है उसके मशीन में डाल करके और गन्ने के रस में मीट मिला मिला करके जो है पिला रहा था, और वो संयोग से वहाँ पकड़ा गया क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लोग थे जो उनको वाच कर रहे थे, देख रहे थे, और एक दिन बड़े गौर से किसी आदमी ने उसका वीडियो बनाया, उसको जो है पकड़वाया। ये मुंडका है दिल्ली में, तो मुंडका की ये घटना है। तो ये जो भोले बाबा की आस्था लेकर के लोग जल लेके हरिद्वार से जो निकलते हैं और अपने अपने गाँव को, अपने अपने कस्बे को, अपने अपने मोहल्ले को जो है अपने अपने शहर को निकलते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, अगर उनकी आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ इसी तरह से नहीं करते तो फिर हिंदुओं को इन सब बातों के लिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो चूंकि कई ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं, आए दिन देखे जा रहे हैं कि वो फल पर थूक देते हैं, वो सब्जी पर थूक देते हैं, वो खाने पीने में मिलावट करते हैं, और तो और छोड़िए खाने पीने की चीज़ों में निपुण सत्ता वाली दवाई जो मार्केट में उपलब्ध है, वो निपुण सत्ता वाली दवाई जो है वो अपने होटल चलाते हैं, उसमें निपुण सत्ता वाली दवाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल डाल के पकड़ाए हैं लोग, कई जगह पकड़ाए हैं, वीडियो बन के आती है, तो जेल जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो है लोकतंत्र के नाम पर संविधान का जो है नंगा नाच हो रहा है, कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी करके आ जाओ, मोटे चढ़ावा चढ़ाओ और आपको जो है हर तरह की आप जो है क्राइम से बच जाते हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, मैं तो कहूँगा धामी गवर्नमेंट जो पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड में है, उनको भी चाहिए कि वो भी
परमानेंट पूरे उत्तर प्रदेश में चारों धाम में जो है इन सब चीजों का नहीं हुआ। अब खच्चर है, वो खच्चर जो है केदारनाथ के रास्ते में चला रहा है। मुसलमान क्यों खच्चर चलाएंगे हमारे धार्मिक आस्था के चीजों पर, हिंदू चलाएंगे, नहीं तो लोग पैदल जाएंगे, जिनको गर्ज होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा जाएंगे। नमक रोटी मिलती है ना, नहीं। क्यों हम अपने जो है आस्था के केंद्र पर हम उनको क्यों दे जगह, वो हमारे सारे सिस्टम को अपवित्र कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, पूरे भारत के जितने भी राज्य सरकारें हैं, इन सबको चाहिए कि पूरे भारत में इसको जो है बड़े स्तर पर लागू करे। हम दुकान चलाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी, हम अपनी परिचय छिपा के क्यों चलाएंगे, ये क्या बात हुई? ये लोकतंत्र है कि ये तो लोकतंत्र के नाम पर मैं हिंदुओं के आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कांग्रेस की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि सेब अब्दुल बेचे अनिल, क्या फर्क पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर अनिल सेब बेचता है तो सबको विश्वास है, सबको पता है कि अनिल कभी उस पर थूकेगा नहीं, अनिल कभी उस पर पेशाब करके जो है उस सेब को नहीं बेचेगा, लेकिन उस पर मल मूत्र का त्याग करके जो है उसको नहीं बेचेगा। लेकिन जो अब्दुल बेच रहा है तो अब्दुल कई बार पकड़ाया है, यानी फर्क जरूर पड़ता है। अगर अनिल पकड़ा गया होता थूक लगाते हुए तो उसे भी बर्दाश्त नहीं करते लोग, और अब्दुल को पकड़ चुके हैं चूंकि, इसलिए एक संशय है लोगों के दिमाग में कि अब्दुल फिर से वही करेगा, जूठा खिलाएगा, ये मानना है मास्टर धीरेंद्र कुमार झा जी का। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पे इनसे लगातार बातें होती रहती हैं। खुद ये मुखर हैं, अपना दबंग राष्ट्र नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वहाँ उनकी अपनी अभिव्यक्ति की बात उस चैनल पे करते हैं, उस चैनल को भी देख लीजिएगा, ये वीडियो आई बटन में है उनकी, उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट करते हैं, मास्टर धीरेंद्र झा जी को भी फिर से शामिल करेंगे, बने रहिए, बहुत ध्यान दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।